हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फोन पे एप्लीकेशंस के स्कैनर से आप किसी का भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किस तरीके से बिल पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं किसी का गूगल पे का क्यूआर कोड लेके आया हूं, इसका स्कैन करके फोन पे एप्लीकेशंस में इसमें पैसा भेज करके आपको दिखाऊंगा। आप चाहे किसी का भी क्यूआर कोड हो और किसी चीज का भी हो, चाहे पेटीएम का हो या गूगल पे का हो या फोन पे का हो या अमेजन का क्यूआर कोड हो, उसको स्कैन करके फोन पे एप्लीकेशन से आप किस तरीके से बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस में मोबाइल के स्क्रीन में जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में जाकर के आपको समझाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूं मोबाइल के स्क्रीन में। अपने फोन पे अकाउंट के स्कैनर से किसी का भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किस तरीके से बिल पेमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरीके से पैसा भेज सकते हैं। तो फोन पे अकाउंट के स्कैनर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करना होगा। जैसे ही फोन पे एप्लीकेशंस ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको ऊपर में दाहिने से तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा, जो मैं आपको रेड कलर से भी दिखा रहा हूं। एक सवाल या निशान का आइकन दिखाई दे रहा होगा, एक नोटिफिकेशन का, एक स्कैनर का। तो किसी का क्यूआर कोड को स्कैन करके बिल पेमेंट करने के लिए यहां पे जो स्कैनर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टच करना होगा। जैसे ही टच कीजिएगा तो आपके फ़ोन पे अकाउंट का स्कैनर जो होगा वो ओपन होके आ जाएगा। अब जिसका भी क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, उसको बिल पेमेंट करना है, चाहे उसका कोई भी क्यूआर कोड हो, चाहे गूगल पे का हो, अमेजन का हो या पेटीएम का हो, उसका जो क्यूआर कोड लगा रहता है उसको इसी सफ़ेद के अंदर स्कैन कर लेना है, उसका जो क्यूआर कोड है। एग्जांपल के तौर पर मैं किसी का क्यूआर कोड यहाँ पे लेके आया हूँ, इसका जो क्यूआर कोड है इसको मैं इस स्कैनर से स्कैन करके बिल पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। आप भी उसी तरह आपको स्कैन करना है। जैसे ही स्कैनर के सामने आप क्यूआर कोड को लेके जाइएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से पकड़ लेगा, और जिसका भी क्यूआर कोड होगा, जिसके नाम से होगा, यहाँ पे ऊपर में उसका नाम आ जाएगा। अब जो भी जितना भी रुपये उसको पेड करना है, यहाँ पे आपको इंटर अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। एग्जांपल के तौर पर मैं एक रुपया यहाँ आपको भेज करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं एक रुपया यहाँ पे इंटर कर चुका हूँ, उसके नीचे एक ऑप्शन से एडेड ए मैसेज ऑप्शनल। अगर यहाँ आप लिखना चाहते हैं कोई भी मैसेज, जैसे मैं हेलो लिख देता हूँ, अगर मैं अपना चाहूँ तो मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, उसके बाद आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन से प्रोसीड टू पे, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपके फोन पे अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट ऐड होगा यहाँ पे शो कर देगा। उसके नीचे एक ऑप्शन से आप देख सकते हैं पे का, इसी वाले पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने फोन पे अकाउंट में जो भी यूपीआई पिन बना करके रखे हैं, यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट या 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाल लेना होगा। तो मैं अपने फोन पे अकाउंट का जो भी यूपीआई पिन क्रिएट करके रखा हूं यहां पे, मैं फटाफट डाल लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फोन पे अकाउंट का यूपीआई पिन डाल चुका हूं। उसके बाद आपको नीचे साइड एक सही का आइकन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे प्रोसेस होगा और कुछ ही पल में आप यहां पे देख सकते हैं पेमेंट ऑफ 1 रुपीज टू MD कौशल सक्सेसफुली। इस तरीके से आप अपने फोन पे अकाउंट के स्कैनर से किसी का भी क्यूआर कोड को स्कैन करके बिल पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारी चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।